तो गाइस देखो कितना बड़ा पैकेट बिस्कुट्स मैं पहले मारी इस बैग हैंडल बैग पैकेट एक दो तीन चार चार पैकेट हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जय जगन्नाथ। आप सब कैसे गाइस आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की ब्रेकफास्ट हो गई होगी तो हमारी भी चाय नाश्ता हो गया है तो फिलहाल खाने के लिए रेडी करते हैं लंच के लिए। तो आप बताओ गाइस आप कैसे हो, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो चलो चलते हैं गाइस। तो फाइनली गाइस आज लंच में हम क्या, तो थोड़ा सोच रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सब्जी फ्रिज में पड़ा था और कल भी कुछ मिस्टर विशाल जी लाए थे मार्केट से। तो ये देखो गाजर टमाटर भी क्या बनाएंगे तो राज को अच्छा लगेगा। एक्चुअली गाइस ये आज मिलती ले ये थोड़ा करेला है, कल भी सब्जी लाए थे बहुत सारे, खाने में क्या बनाएंगे। एक्चुअली गाइस रात को हमारा पार्टी है तो राज जाएगा या नहीं पता नहीं लेकिन हम जाएंगे। तो बहुत सारा काम है, मेरे साड़ी को फॉल्स लगाना है और साड़ी भी हमारी शंकर भाई से लाना है, ब्लाउज दिया था जो मैं, तो क्या बनाएंगे। ये भी ख़राब होने को लगा है, ये करेला भी हो गया 6 दिन हो गया है तो क्या करेंगे। करेला को थोड़ा आलू करेला का सब्जी बना लेंगे। और ये देखो ये इसका फूल है, इसको हमारी उड़िया में कोखर बोलते हैं लेकिन क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं आप देख के समझ जाओ। इसका ये फ्लावर है तो मुझे बहुत पसंद है। आज सुबह का टाइम जब सब्जी वाला आया तो मैं इसे खरीदा था, ये 10 रुपये का है। तो इसका हम बहुत अच्छा, मेरी मदर से मैंने सीखा था एक डिश, बहुत अच्छी पिट्ठू दे के भाजेंगे उसको सोते करेंगे ऑयल में, बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या बनाएंगे, ये करेला बनाएंगे तो खराब हो जाएगा लेकिन राज स्कूल से आने के टाइम सीधा आके किचन में घुस जाए आज खाने में क्या बना है तो थोड़ा गुस्सा करेगा लेकिन समझाने से वो तक करेला भी खाना चाहिए समझेगा खाएगा थोड़ा गुस्सा करेगा। चलो इसके बाद साड़ी में फॉल्स लगाएंगे और थोड़ा खुद को भी हम सेल्फ क्लीन करेंगे। तो चलो काम में लग जाते हैं, बहुत सारा काम है। तो पहले करेला को काट लेते हैं, इसे राउंड करके काट के इसका सब्जी बनाएंगे, कलरा आलू भजा काट के इसका सब्जी बनाएंगे। तो सिर्फ आलू में फ्राई करेंगे, आलू और करेला को थोड़ा सोते करेंगे, तवा फ्राई करेंगे, अच्छा लगेगा खाने। ସେଦିନ ଆଣିଥିଲି ମନ କରିଦେଲି ଆଣିଥିଲି ସବୁ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଆସିଥିଲା। इस फूल को हम साफ करेंगे, ये सुबह ना पूरा पूरा खिला खिला था अब थोड़ा मुरझा गया है तो इसको ये पार्ट निकाल लेंगे। आप ये पार्ट भी खा सकते हैं, ये वाला फेंक लेंगे, ये भी इसका निकाल के फेंक लेंगे लेकिन ये और ये खा सकते हैं।
फाइनली गाइज मैं साफ कर दिया हूँ, लेकिन आपको इसको अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कीड़ वगैरह होती है इस फूल में, तो आप ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, चेक करना, ऐसे बाहर अंदर देखना कि मकोड़े हो है कि नहीं। तो इसको हम अच्छे से साफ कर धो लिए हैं, और इसमें जो आप दो फूल को एक के अंदर एक रख के इसको ऐसे रखेंगे, इसका हम सब्जी बनाएंगे। दो फूल को एक के अंदर भर्ती करके इसका हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए इस जो व्हाइट राइस को थोड़ा भिगो दिए हैं पानी में, तो थोड़ा इसको थोड़ा भीगने देंगे, इसके बाद इसका हम कखारू फूलो भजा बनाएंगे। इसमें थोड़ा नमक देकर इसको थोड़ा मैरिनेट करने कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि थोड़ा पकने में इजी होगी इसको फ्राई करने में। हल्दी नमक से इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अभी तो चावल भीग गया है, इसको हम पेस्ट बना लेंगे पिठो के लिए। प्याज, अदरक, लहसुन, हमारी जो ये है तेज पत्ता, और ये सूखी लाल मिर्च, और ये खड़े मसाला थोड़ा फ्लेवर के लिए, और ये जो पत्ता मैं घर से लाई थी जुनी दीदी के घर, तो ये जो पत्ता है सारे मसाले का फ्लेवर इस पत्ते में आ जाता है, सारे मसाले का फ्लेवर ये एक पत्ता काम करेगा, तो ये थे तो वो भी डाल देंगे। और इसके बाद हम थोड़ा हल्दी डालेंगे, और इसके बाद हम पानी दे के थोड़ा पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट ज़्यादा पतला नहीं होगा। और पेस्ट होगा। तो गाइस फाइनली पेस्ट हो गया। पेस्ट एक्चुअली पूरा फाइन पेस्ट नहीं, थोड़ा सा दाना दाना जैसा, क्रिस्पी के लिए अच्छा लगेगा फ्राई करने में। तो गाइस फाइनली इसमें नमक और हल्दी मिक्स करने से देखो इसका कितना ज़्यादा पानी निकल गया है, आलू का भी और करेले का भी। तो इसको अच्छे से हम पानी को ड्रेन करके इसको वो पिठों में फ्राई करेंगे। तो फाइनली हम इसको निकाल लेंगे, थोड़ा सा पानी देंगे, थोड़ा सा पानी देंगे, देखो टेस्ट के अनुसार नमक देंगे, नमक डालेंगे बस, इतने से हो जाएगा। देखो पिठो हमारा रेडी, और इसमें अब हम इसको भिगो के इसको तावा में फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं ना जैसे इसको इसके ऊपर सारे बैटर लगे, इसको हम तावा में ऑयल डाल के फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं सॉरी सालो फ्राई करेंगे ओनली तावा में। तो चलो गाइस फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो हमारे मिस्टर सर सेफ में बिजी हैं, तो आज एक्चुअली एक पार्टी है ना, बहुत बढ़िया पार्टी है, तो इसके लिए रेडी हो रहे हैं क्या सर? तो जोर शोर से सेफ चल रहा है पूरा स्टाइल से। फाइनली गाइज अब हम तावा में इसमें हम ऑयल डालेंगे, अब इसको इसे डिप करके बहुत टेस्टी।
एकदम कैसा था बेटा? अच्छा गया। कल क्या है? सुजल और स्वयं का कैसा एग्जाम हुआ? उनका कैसा गया? हाँ अच्छा गया। सुजल बोला हमारे सारा तवा भजा पिट्ठू भजा हो गया है। ये करेला, ये आलू और ये हमारे जो फूल का कखर फूल का भजा हो गया है। तो ये जो सारे बैटर में मैं इसे मिक्स करने के कारण मेरे जो फिंगर है ना, तो अंगूठी है, बहुत जल रही है क्योंकि इसमें लाल मिर्च डाला था। आलू, अरे कॉलर अभी खा बाबा, जलन हो रही है ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो एक बहुत बढ़िया टिप्स है, जैसे ये नॉर्मल पानी लेके थोड़ा सा इसको हम गर्म कर लेंगे। बहुत जल रहा है तो इस पानी में थोड़ा सा जस्ट उबल नहीं आना चाहिए, जस्ट गर्म पानी में इसे हाथ डुबाने से 5 मिनट के लिए सारी जलन चला जाएगा, जो मिर्ची का जलन है वो चला जाएगा। थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसको जस्ट डीप करने में सारे आपकी जो जलन मिर्ची वाला जलन चला जाएगा। हाथ रैपिड नहीं है ना मेरे वाला बैटर में मिर्ची वाला पेस्ट में डालने की, तो हाथ इसमें डुबा कर करने से बहुत जलन हो रही है, तो इस करने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। तो फाइनली गाइस खाना पीना तो कंप्लीट हो गया है, तो बहुत सारा काम है। मैं थोड़ा सोच रही थी कि पार्टी में जाना है तो थोड़ा ब्लीच भी कर लेते हैं, तो अच्छा ग्लो आएगा, इंस्टेंट ग्लो कर लूँगी। उसके बाद हम लगाएंगे ब्लीच। ब्लीच लगाएंगे, पार्टी में जाएंगे। शंकर भैया अभी तक ब्लॉग क्यों फोन नहीं किए, ब्लाउज बनाए कि नहीं, इसमें से पता चलेगा। कम करो कौन पे एक दिन फोन आसी नहीं है। Thank you.
है, खाना पीना सब कंप्लीट हो गया है, तो चलो ब्लीच कर लेते हैं थोड़ा सा। ये VLCC का इंस्टाग्लो ऑक्सीजन ब्लीच है, तो इसको थोड़ा हम ट्राई करेंगे इंस्टेंट ग्लो के लिए। फेस पूरा डॉल जैसा पड़ गया है, तो ये क्रीम को हम मिलाएंगे, तो क्रीम दिया है और ये एक्टिवेटर है। और ये क्या है, ये वाला पे ब्लीच क्रीम, बस इसको मिक्स करेंगे थोड़ा लगाएंगे। तो फाइनली गाइस जब इसको निकालते हैं तो पूरा मिला लेंगे, मैं भी लगाऊंगी थोड़ा, मिस्टर विशाल जी को भी लगाएंगे, वो भी थोड़ा डल हो गया है तो उनको भी हैंडसम बनाना है। तो निकालेंगे और इसको एक्टिवेटर मिलाएंगे। इसका रेशियो कितना है, तो गाइस जब भी आप ब्लीच करें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना इसमें इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। तो इसका रेशियो है 10.1। ये 10 पार्ट होगा तो ये 1 पार्ट, इसीलिए अच्छे से मिलाना है और फेस में लगाना है। एक्चुअली गई 30 हो जाने के बाद ब्लीच लगाना जरूरी है, तो ब्लीच लगाने से इंस्टेंट ग्लो निकलता है, इंस्टेंटली फटाफट कहीं जाना है तो ब्लीच लगाने से इंस्टेंट ग्लो जो खिल के आता है। जो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद हम लगाएंगे, तो पहले इसको फेस को वॉश कर लेते हैं उसके बाद हम ट्राई करेंगे। अच्छे से फेस वॉश कर लेते हैं। फेस तो क्लीन कर लें, थोड़ा सा हम स्टीम कर लेते हैं, तो खर ज़्यादा आएगा ले लेते हैं एक्स्ट्रा ग्लो के लिए। हमारा तो फेस क्लीन हो गया और स्टीम भी हो गया, और इस पहले प्री ब्लीच क्रीम लगा लेते हैं, इसके बाद हम ब्लीच क्रीम लगाएंगे। अब हम ब्लीच लगा लेते हैं, लेकिन थोड़ा आई ध्यान से लगाना, जैसे कि आईब्रो में ब्लीच मत लगना चाहिए, बी केयरफुल गाइस।
गाइस हम पूरा रेडी, लेकिन टाइम बहुत हो गया है तो राज नहीं जाएगा। मास्टर है ना, तू कौन खाइबू? हम दे दियो। रोल रोल। ऑन ही नहीं, ऑन ही नहीं। हाँ ठीक है। तड़ावा। गाइस हम अब बरमपुर जा रहे हैं तो बहुत लेट हो गया है, तो टाइम हो गया है, 8 o'clock होने वाला है तो क्या करें, लेट हो गया तो राज रुक गया है, राज हमारे साथ नहीं आया, आधा घंटा लगेगा तो चलो गाइस। तो गाइस बहुत लेट हो गए, एक्चुअली लेट हम मिस्टर विशाल पे ही हुए, मिस्टर विशाल जी बहुत लेट किए इसलिए हम लेट हो गए।
फाइनली गाइज हम पार्टी से आ गए हैं, तो पार्टी में बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाए और जो वेलकम ड्रिंक था हमारा मलाई वाला कोकोनट, तो बहुत ही टेस्टी था। और इसके साथ वेज था, नॉन वेज भी था, लेकिन हम वेज खाए। सावन का महीना चल रहा है तो खाना पीना तो दूर की बात, लेकिन जो सबके साथ मिलजुल कर हम मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और सीधा हम चले आए पेट्रोल पंप, वहाँ से पेट्रोल डालेंगे और चलेंगे ढाबा को। राज के लिए कुछ खाना ले जाएंगे, वो बोला था नान और सादा तड़का ले जाएंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइस, देखना मत सब्सक्राइब जरूर करना। और आज के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं हम फिर अगले ब्लॉग में। बाय गाइस। कलर रेखा देखो, उसको करेला देख के कैसा मुंह बिगड़ गया है। कभी कभी तो कलर भी खाना चाहिए ना। करेला करेला करेला, कलरा नहीं करेला, तुझे आता नहीं।